वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आज की जो वीडियो है छोटी सी वीडियो होगी, उसकी रीज़न ये कि आज मैं आया हूँ हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार शरीफ के ऊपर, अय्यूब सुल्तान के एरिया में इनका मज़ार है। लास्ट टाइम जब मैं आया था, शायद आपने वीडियो मेरी देखी होगी, उस वक्त ये बंद था और मैं वीडियो नहीं बना सका। इनसाइड काफ़ी लोगों का रश है, आना जाना है, लोग आ जा रहे हैं, तो मैं भी अंदर जाने लगा। ज़्यादातर लोग अब अय्यूब अंसारी तलानों के मज़ार शरीफ पर आते हैं, बहुत कम लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। उसकी रीज़न यह है कि लोगों को यहाँ की लोकेशन का पता ही नहीं है, और चूँकि वो फेमस बहुत ज़्यादा है अब अय्यूब अंसारी तलानों, तो इसलिए ज़्यादातर लोग टूरिस्ट आते हैं और वहीं पर विज़िट करके चले जाते हैं। बिल्कुल उसी एरिए में तकरीबन 10 से 15 मिनट के वॉक पर किसी से पूछें आप, जो पुराने तुर्किश लोग हैं, बुज़ुर्ग हज़रात, उनसे पूछो, वो आपको बताएँगे अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू दरदा और हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार शरीफ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल ये एक ही कब्रिस्तान के अंदर है, तो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये जो कब्र शरीफ है, ये अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की बहुत बड़ी कब्र है, और इसके साथ ही ये हज़रत अबू तैदे हज़रत सी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उनकी कब्र शरीफ है। इसके अंदर जाने का रास्ता तो नहीं है, अभी मैं जा रहा हूँ हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार शरीफ पर। देखिए वहाँ से मतलब इस मज़ार शरीफ के बाहर से तो हम आगे, साथ ही बहुत बड़ा पार्क है, इधर भी है और इधर भी है। हम जा रहे थे काब रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार शरीफ पर, बिल्कुल इसके अपोजिट है, वो पीछे सामने जो दरख्तों के नीचे नज़र आ रहा है आपको, काब रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार शरीफ, और ये लिखा हुआ है तुर्किश में हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु तुर्बसी, तुर्बसी कहते हैं मज़ार शरीफ को, ये इसकी एड्रेस है। ये मज़ार शरीफ का अंदरूनी हिस्सा, काब रज़ी अल्लाह अन्हु के बजने ले जी आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और हमने भी दुआ मांगी है तमाम मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानी के लिए। शहजाद साहब असल में चाह रहे थे कि ज्यारत करना है कोई सहाबा कराम की, तो हम इनको यहाँ पर ले आए। तो सच है कोई वीडियो बनाने का मूड नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चले आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं रिकॉर्ड कर लूँ, और आप लोग को भी मैं जो है वो ज्यारत करूँ। जी शहजाद साहब, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह, रूह जो है ना सुकून आ गया, दिल को सुकून आ गया, तबीयत माशाल्लाह बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं सब, जिनसे जिनके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे बैठे खाया पिया, उनके पास आके वाकई दिल को सुकून मिला और रूह को सुकून मिला, माशाल्लाह तबीयत ठीक हो गई। इस तरह की और भी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, डिफरेंट जो मुकद्दस मकाम आते हैं उनके हवाले से मैं वीडियोज़ बना के आप लोग के लिए लाजमी जो है मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब के ऊपर, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरे वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक जो है वो पहुँच सकें।